रिजल्ट को लेकर सबसे बड़ी खबर मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए। जी हाँ दोस्तों, मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी अभी न्यू सूचना न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है रिजल्ट को लेकर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एमयू में जल्द जारी होगा स्नातक के छात्रों का रिजल्ट। कुलपति की तरफ से ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया। यहाँ पर आपको बता दूँ कि काफ़ी आंदोलन भी चले हैं जिसको लेकर अब जो है सिस्टम जो है पूरी तरह से दुरुस्त हो चुका है। ठीक है, अब दुरुस्त होने का कारण यह है कि छात्र लगातार जो है एक बार नहीं कई बार आंदोलन किए हैं, उसको लेकर जो है छात्रों की अब बात को रखा जा रहा है, सुनवाई की जा रही है। ठीक है, अब रिजल्ट आप लोगों का कैसे चेक करना है, रिजल्ट के लिए एक नया साइट बनाया गया है जिस पर आप लोगों का रिजल्ट जो है अपलोड किया जाएगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल पर न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो। ठीक है, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो आर के सिंह ने कहा कि छात्रों के स्नातक सेकेंड ईयर का रिजल्ट समय पर जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डेढ़ महीने पहले ही रिजल्ट को लेकर बैठक की गई और छात्रों का रिजल्ट जल्द जारी करने, जी हाँ दोस्तों, करने का निर्देश दिया गया है। ओएमआर सीट पर रिजल्ट एक सप्ताह में आ जाता है, लेकिन इसमें जो है 6 महीने लगा दिया। ठीक है, कुछ तकनीकी समस्याओं और इसको लेकर आई जिसके लीगल को भी देखा जा रहा है। ठीक है, बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जांच पड़ताल के बाद जल्द से जल्द जो है रिजल्ट अब जारी किया जाएगा, छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी प्रति कुलपति और परीक्षा नियंत्रक को दे दी गई है, उन्होंने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मगध विश्वविद्यालय में फुल फ्लेजेड चार्ज में नहीं है, इस वजह से कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कुछ लीगल मामले पहले से चल रहे हैं, उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। जी हाँ, बताते चले कि ओएमआर सीट पर परीक्षा लेने का निर्णय इसीलिए लिया गया था कि उसकी कंप्यूटर स्कैनिंग कर जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए। ठीक है, लेकिन एमयू में कई लीगल मामले चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है और अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए ले चलते हैं वेबसाइट पर और रिजल्ट को आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन का गूगल ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप कर दीजिए magadhuniversity.ac.in, लिखकर आपको सर्च कर देना है। ठीक है, जैसे लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा मगध विश्वविद्यालय का। यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हो रहा है और यहाँ पर ओपन होने के बाद अब यहाँ पर देखिए ओपन होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो है ओपन होने में थोड़ा जैसे एक टाइम लेता है। ठीक है, पर डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल पर डाल दिया जाता है। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हो मगध विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर वाले, तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और ऑल मगध विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को बताओ इस टेलीग्राम ग्रुप यानी चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेनू वाले बटन पर भी यहाँ पर क्लिक करके रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप लोगों को रिजल्ट आकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डाउनलोड रिजल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर भी आकर आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। एक बार इस पर क्लिक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर जो है अभी साइट उसी तरह है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि 1 सप्ताह यानी 7 दिन के अंदर अंदर में जो है रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया जाएगा। ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर में जो है आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मेरी माने तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 5 मई के बीच कभी भी रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा। ठीक है, 5 मई के बीच जो है कभी भी रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया जाएगा, तो यह सबसे बड़ी बात है और अपने आप में एक मतलब की मिसाल है। और छात्रों ने जो लगातार आंदोलन किया है उनके लिए सबसे पहले दिल से आप लोग थैंक्स कहिए, क्योंकि छात्रों का आंदोलन करने पर ही ये रिजल्ट जो है प्रकाशित किया जा रहा है। और अगर छात्र आंदोलन नहीं करते तो हो सकता था कि आपका 1 से 2 महीना और लग जाता रिजल्ट में। पर यहाँ पर ये बताइए, कई स्टूडेंट्स को लगातार सवाल है कि सर अगर मान लीजिए हम लोग फेल हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए रिजल्ट जारी हुआ और हम लोग फेल हो गए, तो एडमिशन तो हमारा ले लिया है यूनिवर्सिटी कॉलेज के माध्यम से, एडमिशन हो चुका है, यानी सेकेंड ईयर वालों का थर्ड ईयर में एडमिशन हो चुका है और फर्स्ट ईयर वालों का सेकेंड ईयर में एडमिशन हो चुका है, तो फिर अब एडमिशन कैसे होगा? अगर हम लोग फेल हो जाएंगे तो क्या एडमिशन उसी तरह लिया जाएगा? तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाइए। तो दोस्तों इसके बारे में मैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से बात करके फिर बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम।